हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग का साथ साथ कुछ जरूरी बात है। आप लोग से बोलना चाहती थी बहुत दिनों से, पर नहीं हो पाया। अब इस वीडियो में इस कुकिंग ब्लॉग को शेयर करते हुए मेरे जो बातें हैं वो सारा इस वीडियो में बताऊंगी। अब देर किस बात की है, चलिए हम बताते हैं। आप सुनते रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। इस चैनल का मोनेटाइजेशन से लेकर पिन आने के तक मैं क्या क्या परेशानी फेस करना पड़ा, तो वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पर ये सारे बातें क्रिएटर्स को ज़्यादा यूजफुल होगा, जिनको अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ और पिन नहीं आया, तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा यूजफुल होगा। एक महीने का पहले मुझे को गूगल एडसेंस से पिन आया है, तो वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस का समय है। मैं बहुत दिनों से इंतजार थी इसके लिए। इस बात को लेकर माफ़ कीजिए कि मैं बहुत लेट से इसको अपलोड कर रही हूँ, इसलिए कि चैनल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चैनल पे आ जाता है, उसको क्लियर करना मेरे से नहीं हो पाता है। फिर भी मैं जैसे तैसे करके कर ही रही हूँ। आप यहाँ पे एक बात नोटिस मत कीजिए कि मैं कैमरे का साइड क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि कैमरा देखना मुझे को ऐसा डर लगता है कि अभी इतना तो मैं हिम्मत कर पाए कि वीडियो में आने का। धीरे धीरे करके इस स्वभाव को मैं चेंज करूंगी जरूर। मैं चैनल को 2020 में शुरू की थी। मोनेटाइजेशन होने का जो जर्नी में 2020 से लेकर 23 तक मैं इतना वीडियोस डालती थी तो भी मेरे मोनेटाइजेशन नहीं होता था। एक समय पे मुझे लगा कि मोनेटाइजेशन तो इस चैनल पे होगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम अपने जो काम करते रहूँगे, कम से कम मेरे समय जो है निकल जा रहे ना, और भी कुछ बोलना है तो। इसकी वजह से ही आज मैं इतना हिम्मत वाली बनी, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। 2023 में ये सब सोच मेरे दिमाग में आने लगा। ये सब सोच को साइड हटाकर मैं अपने काम करते गई। जनवरी में अचानक से एक वीडियो अच्छे से जाने लगा, वो इतना अच्छे से जाने लगा कि एक ही महीना के अंदर 1,00,000 व्यू क्रॉस कर गया। तो फरवरी तक मेरे जो मोनेटाइजेशन के लिए वॉचिंग टाइम जितना भी चाहिए था सारा कंप्लीट हो गया, और मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन मिल गया, तो मैं मोनेटाइजेशन एनाबल कर लिया था, तो उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी। मोनेटाइजेशन होते ही मेरे जो सपना का जो सीढ़ी है मैं चढ़ने लगी। एक स्टेप तो मैं चढ़ गई थी, दूसरा सीढ़ी चढ़ना है, ये इतना आसान नहीं है पर चढ़ना है, तो कैसे। पर फिर भी मैं ये नहीं सोची थी, मोनेटाइजेशन हुआ तो इसका खुशी में रह गई थी। धीरे धीरे करके 2 महीना में मेरी जो अप्रैल तक कंप्लीट हो गया था, पर मैं तुरंत ही नहीं करना चाहती थी, और वो ऑप्शन जो है एनेबल नहीं हुआ था उसको। उस समय पर मुझे को नहीं पता था, मैं इतना सोची थी कि जब ये 50 या 60 जो डॉलर से ऐड होगा उसी के बाद ही मैं अप्लाई करूंगी पिन के लिए। मैं ऐसे सोच में रह गई थी, मुझे को इसके बारे में तब बिल्कुल नहीं पता था। मार्च से लेके फिर जून तक मेरे जो अकाउंट में $28 का कम्प्लीट हो गया, वो जो ऑप्शन था वो भी एनेबल हो गया था। तो मैं तब सोची ना, ठीक है हम कर ही लेंगे, ये तो बार बार वो रेड सिंबल दिखाती है, तो ये इस तरह से रेड सिंबल दिखा रहे हैं तो मैं कर ही लूँगी। तो उसको एनेबल करने के लिए मैं इसको जब मोनेटाइजेशन हुआ ना तभी टैक्स इन्फो भर ली थी, क्योंकि उस समय पर मेरे पतिदेव अवेलेबल नहीं था। ये बात मैं क्यों बोली बाद में आपको समझ में आएगा। टैक्स इन्फो में जो एड्रेस और आइडेंटिटी देते हैं तो सेम अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी देना होता है। बहुत पहले मैं कुछ कुछ वीडियोस इसके बारे में जब देखी तब वो सब याद रखे हुए हैं, तो उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है ना, ये सब कामें जो हैं तो मैं ज़्यादातर मैं पतिदेव का हाथों से ही कराती हूँ, क्योंकि उनका हाथ मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उनको ये सब बातें बोलकर बैठाई थी। अभी आप इस तरह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए, तो उन्होंने ये सब करने लगा। उन्होंने जो आइडेंटिटी मुझे को दिया है वो वोटर आईडी है, उसमें नाम का साथ साथ सरनेम भी लिखा रहता है। सरनेम उसमें गलत लिखा हुआ था, वो मैं बहुत पहले ही देखी थी, पर मैं उसमें जैसे है वैसे ही लिखना है, इसलिए टैक्स इन्फो में मैं वैसे ही भर ली थी। मेरे पतिदेव को भी मैं यही बोली कि उसमें जैसे है वैसे ही उसमें भर लीजिए, पर उनको वैसा लिखना पसंद नहीं था, इसलिए जैसे सरनेम था हमारे तो वैसे ही लिख लिया। तो मैं उनको और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई इसलिए, क्योंकि मैं उनको बहुत मर्यादा से वहाँ बैठा है, तो मेरे काम के लिए अगर मैं वहाँ पे कुछ भी चेंज करती उनको बुरा लगेगा शायद, तो इसलिए मैं क्या की जैसे था वैसे ही सबमिट कर ली थी। सबमिट करने के 1 घंटे के बाद एक मेल आती है
कि आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टैक्स इन्फो दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो आपकी जो ये पेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन हटा दिया गया है। मुझे को पहले ही पता था ये सब होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बुरा नहीं मानी। बुरा तो ज़रूर लगता है, तो मैंने पतिदेव को मैं बोली कि बोल रहे थे ना आपको कि ये सब नहीं होता है, ऐसे ऐसे भरना होता है, पर आप तो मानी नहीं है, आप ऐसा कर दी। फिर मेरे पतिदेव ने कहता है कि ठीक है बुरा मत मानो, अब ले लो पैन कार्ड, तो अब कर लेना। ठीक है, अभी जब पूछे तब तो नहीं दी, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर था इसलिए नहीं दिया था। हैक वगैरह होता है ना, उसका थोड़ा डर था, हम लोग पहले भी बहुत कुछ ऐसा फेस कर चुके हैं। मैं बोली कि वो ऑप्शन तो कुछ दिन के लिए हटा दिया है, जब अनेबल होगा तब दे दीजिए, तब मैं फिर पैन कार्ड को ही सबमिट करूँगी। तो उन्होंने भी ठीक है ऐसा कह दिया, तो मैं भी निश्चिंत हो गई, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं मानी, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो ऑप्शन फिर से दिखने लग जाएगा, तब तक मेरे जो डॉलर्स ऐड होते रहेगा, तो किस बात के लिए मैं चिंता होना है, तो छोड़ दी थी। तो ये होने का बस कुछ ही दिन के बाद ऐसा होता है कि मैं जहाँ पर मुझे को डॉलर्स दिखता है वो डॉलर्स दिखना बंद हो गया, वहाँ पे एक रेड सिंबल दिखाने लगा और एक मेल भी आया था, उसमें ये दिया हुआ कि आपकी जो मेल आईडी चेंज कर लेना गूगल एडसेंस का। मैं चेंज नहीं करना चाहती थी, जो मेल आईडी उसी पे ही रन करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं चेंज की, उसी पे ही बार बार मैं अनेबल करने के लिए कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं हुआ। तो मैं क्या की, कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें जो जैसे जैसे करके बोला हुआ था, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर मैं सुनना गलत हुआ होगा, तो मैं क्या की अपने जो गूगल एडसेंस को हटा कर नया वाला को लगा ली थी। लगाने का तुरंत ही जो रेड सिंबल दिखना बंद हो गया था, मैं बहुत निश्चिंत हो गई थी, पर डॉलर्स नहीं दिख रहा था वहाँ पे। मुझे को लगा ये एडसेंस अभी जो चेंज किया ना, तो शायद दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो छोड़ देते हैं। कुछ दिन होने के बाद देखती तो वहाँ पे डॉलर्स 1 या 1.5 डॉलर दिख रहा था। ये क्या बात है, 28 का मेरे जो डॉलर्स था बस 1.5 डॉलर का दिखने लगा, ये क्या हुआ इसको। तो मैं कुछ दिन फिर इंतज़ार की, छोड़ दी थी, उसके बाद दिखने लगा कि 3 डॉलर का कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूं। फिर से कुछ वीडियोस देखी, उसमें एक वीडियो में अच्छे से बोल रहा था, उन्होंने बोला है कि अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगा तो आप सीधा YouTube से ही चैट कर सकते हैं, ट्विटर का माध्यम से, उसमें यूट्यूब का पेज रहता है, उसको फॉलो करके आपकी जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैन्युअली आपकी जो डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इसलिए मैं ट्विटर में जाकर उन लोग को पेज को फॉलो करके तो उन लोग को मैसेज भेजी थी, उन्होंने तुरंत ही रिप्लाई दिया था। तो उन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट निकाल कर भेजना, तुमको समझ नहीं आ रहे, तो मैं तुरंत ही स्क्रीनशॉट निकाल कर उन लोग को भेजी भी थी। 3 दिन तक मैं इंतज़ार की, रिप्लाई नहीं आया, तो शायद बिजी तो हो सकता है ना, तो इसलिए मैं क्या की तो डायरेक्ट यूट्यूब से ही चैट करने लगी। पर यहाँ पे क्या होता है ना, मैन्युअली नहीं होता है, कंप्यूटर्स करते हैं, कंप्यूटर्स करे या मैन्युअली करे वही इज्जत होता है, वैसे ही रिप्लाई देते, बहुत अच्छे से रिप्लाई आता है। तो मेरे जो भी दिक्कत था मैं सब पूछी, तो सबके बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ से हमको रिप्लाई मिली। मुझे को ये समझ में आया, जो गूगल एडसेंस से डॉलर से ऐड हुआ था, जैसे मैं उसको हटा दी वो डॉलर्स भी हट गया, तो अभी जो नया अकाउंट में डॉलर्स बनेगा वही से ही आपकी जो पिन आएगा, अमाउंट आएगा, वहाँ पे वही जवाब मुझे को मिला था। मैं और निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि जो भी हुआ भला के लिए हुआ, मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया। बस ये सब छोड़ के मैं अपने काम करने लगी। फिर मुझे को सितंबर में 12 तारीख को एक मेल आती है कि आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन मिल गया है, आप उस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। जब मेल आया था उस समय पर मैं नहीं कर पाई, मैं 15 तारीख को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कर लेती। 16 तारीख को मेल आता है कि आपने जो टैक्स इन्फो और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैच हो गया है। फिर 17 तारीख को मेल आता है कि आपके पिन भेजा गया है, तो जैसे ही पहुंचते हैं इस पिन को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अपने जो एड्रेस वेरिफिकेशन कर लीजिए। ये काम भी मेरे पति देव ने ही किया है, जो पिन एंटर किया उसके बाद वो कंफर्म हो गया है। इस तरह से मेरे मोनेटाइजेशन से लेके पिन आने के तक मेरे सफर रहा है। इस सफर में आप सब भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे को, आप सभी को मैं दिल से थैंक्स कहूँगी। तो बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने मुझे को आज तक सपोर्ट करते आया है। ऐसे ही आपके जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। यदि इस वीडियो के दौरान जो भी बातें मैं बोली हूँ, अगर आप इस बात को लेकर नहीं समझ पाए या तो बुरा लगा, जो भी है आप मुझे को माफ़ कीजिए, क्योंकि मुझे को अच्छे से बोलना नहीं आता है। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।